सरला के बड़े बेटे रवि के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन सरला को अपनी बहू के तौर पर एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके घर परिवार को जोड़ कर रखे। लेकिन सरला को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। एक रोज सरला अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती है। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? घर का काम काज तो जानती हो ना? पायल नाम है आंटी जी, और रही बात घर के काम काज की, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे वाह, और अगर तुम्हें घर के काम के साथ घर को जोड़ कर रखने का कहा जाए तो तुम घर को स्वर्ग तो बनाए रखोगी ना? माँ जी, घर को स्वर्ग बनाने और नर्क बनाने दोनों में बहुओं का ही हाथ होता है, और मैं तो शुरू से ही चाहती हूँ कि मेरा ससुराल ऐसा हो जो मुझे समझे, और अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उन्हें समझा कर चलूँ। पायल, बड़ा ही अच्छा नाम बताया है बेटा तुमने अपना, और जो बात तुमने मुझे अभी कही है ना, बस ऐसे ही घर को जोड़े रखने वाली बहू चाहिए मुझे। देखिए बहन जी, लड़की में कोई कमी नहीं है, बात विचार सब बहुत अच्छा लगा मुझे। माँ, आपने जन्मदिन में पंडित जी को दक्षिणा देने को कहा था, वो मैं दे आई हूँ। अरे बहन जी, ये आपकी छोटी लड़की है क्या? बड़ी प्यारी है। नमस्ते आंटी जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आओ आओ बेटी, बैठो। क्या उम्र है तुम्हारी? जी बस 24 साल की हुई हूँ अभी। अच्छा अच्छा, तो अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन के देवर से कर दी जाए तो, मतलब एक ही घर में की जाए तो, तुम दोनों बहनों का प्यार तो कम नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, दीदी तो मेरी जान है, हम दोनों के बीच कभी भी किसी बात को लेकर कोई बहस झगड़ा लड़ाई नहीं होती, हम दोनों बहुत प्यार से रहते हैं आंटी जी। चलो तो फाइनल रहा बहन जी, मैं यहाँ अपने एक बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन दो बेटों का रिश्ता करके जा रही हूँ, यानी आपकी दोनों ही बेटियाँ मेरे घर की बहू बनेंगी। अब होता भी कुछ ऐसा ही है, सरला अपने बड़े बेटे के साथ छोटे बेटे का रिश्ता भी फाइनल कराती है, और जल्द ही सरला के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। दीदी, एक सिगरेट मिलेगी क्या? कई दिनों से इस शादी के नाटक के चक्कर में मैंने ना सिगरेट पी और ना ही मैं अपने दोस्तों से मिल पाई। कहीं तो भूल तो नहीं गई ना कि ये तेरा ससुराल है मायका नहीं, यहाँ माँ के ताने नहीं सास की गालियाँ पड़ने वाली हैं। मुझे परवाह नहीं है, आप देख लो आपको ये सब कैसे देखना है, क्योंकि आपके रिश्ते की बात होने आई है, तभी तो मैं भी फंस गई ना। लगता है कोई आ रहा है, मधु जल्दी से अपना सिगरेट छुपा। अरे क्या बात है, दोनों बहनों में क्या बातें हो रही हैं? बहू, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तुम दोनों को अपनी इन दोनों ननदों से कह देना, वैसे अच्छी जमेगी दो जोड़ी भाभी और दो जोड़ी नंदों की। जी माँ जी, मुझे या मधु को किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं आपको बता दूंगी। इतना बोलकर सरला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मधु सिगरेट पीने लगती है, तभी वहाँ राधा का आना होता है। अरे भाभी, यहाँ सिगरेट जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? भैया तो ये सब पीते भी नहीं है। हाँ मुझे भी आ रही है, लेकिन कहाँ से, यही समझ नहीं आ रहा। आज तो तू मरवा ही देती, आज तेरा ससुराल में ये पहला दिन आखिरी दिन बन जाता। अब अगले ही दिन सुबह पायल और मधु दोनों में से कोई नहीं उठता। सुबह के 10 बज चुके थे। ये देखकर सरला अपनी दोनों बहुओं को उठाने पहुंचती है। अरे बहू, क्या हुआ, आज तुम दोनों का उठने का मन नहीं है क्या? देख तो सुबह के 10 बजने वाले हैं। जी माँ जी, बस उठ ही रही हूँ, ना जाने मेरी नींद कैसे नहीं खुली आज। अरे कौन है? पायल, तू मुझे यहाँ भी चैन से नहीं जीने देगी क्या? इतने अच्छे सपने देख रही थी, मैंने चारों तरफ सुंदर सुंदर लड़के देखे, पार्टी कर रही थी, मेरे दोस्त थे, लेकिन तुझे तो मेरे सपने को तोड़ने में मजा आता है। देख, जैसे हम घर पर एक एक दिन खाना बनाते थे ना, यहाँ भी कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। मुझे कोई काम नहीं करना, जब घर में जवान दो दो नंदे हैं तो उनसे कह देना कर ले, मुझे सोने दे। अब पायल भी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, तभी पायल के कमरे में राधा और कोमल आती है। भाभी, आज खाना नहीं बनेगा क्या घर में? माँ आपको ढूंढ रही है। नहीं, मुझसे कोई काम नहीं होगा, ना जाने क्यों मुझे बेचैनी सी हो रही है, शायद मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। अच्छा कोई नहीं भाभी, ये भी तो आपका ही घर है, अब से आपको ही ये घर संभालना है।
चलो आज खाना और घर के काम में मैं और राधा मिलकर कर लेते हैं। इतना कहकर पायल की दोनों ननद काम करने चली जाती और घर का काम करने लगती हैं। कुछ देर बाद मधु भी उठकर पायल के पास आती है। अरे पायल, क्या बात है? तूने ससुराल में आकर तो अपना काम चाल चलन सब बदल लिया। इतनी सुबह उठकर घर का साफ सफाई करी, खाना पीना भी सब बना लिया। चुप कर तू, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब हमारी दो जोड़ी नंदों ने किया है। बस मैंने तो उनसे यही बोला था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, बड़ी काम की नंदे हैं हमारी। चल, अब से हमारा काम यही दोनों करेंगी। तू देख दे जा, मैं इन दोनों को कैसे बोतल में उतारती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। अब हमारी शादी हो गई है, हम पर भी तो जिम्मेदारियाँ है ना। अरे जब आएगी खुद चलकर जिम्मेदारी तो देख लेंगे, अभी हम कुछ समय मजे से जीते। अब पायल और मधु घर का कम से कम काम करती, बाकी का काम राधा और कोमल करती थी। क्योंकि जब भी राधा और कोमल अपनी भाभियों को काम के लिए कहती थी तो वो लड़ने झगड़ने लगती। भाभी माँ ने कहा है शाम का खाना आप दोनों को ही बनाना है। पायल, शाम का खाना मेरे बस की नहीं है, तुझे पता है ना मुझसे अच्छा खाना भी नहीं बनता। तू अपनी बड़ी बहन को काम करने को कह रही है? माँ ठीक कहती है, तू किसी काम की नहीं है। जो मनाए वो कहे और कर, मैं काम नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। अरे भाभी, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो, वो भी शाम के समय? मैं और कोमल खाना बना लेते हैं, चल कोमल। सरला ये सब काफी समय से देख रही थी और एक रोज सरला अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, आज से तुम दोनों कोई काम नहीं करोगी, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मेरी घर की बहुएं आराम से बैठकर खा रही हैं। माँ, आपको तो पता है ना, हम घर में कलेश नहीं चाहते, तो भला हम भाभियों को लड़ते देख उन्हें कैसे ना मना करें। दोनों भाभियों की लड़ाई भी काम को लेकर ही होती है। हाँ माँ, अब तो वो ये सब जानबूझकर कर रही हैं, ये तो मैं कह नहीं सकती। वैसे भी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि राधा और मुझ में अगर लड़ाइयाँ नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी बहनों में झगड़ा ना हो। तो तुम दोनों अब से मधु और पायल का खाना छोड़कर सबका खाना बनाना। अब देर शाम राधा और कोमल मिलकर सबका खाना बनाती है, लेकिन जब मधु खाना लेने जाती है तो कोमल मधु से कहती है, भाभी आप दोनों का खाना माँ ने बनाने से मना किया था तो मैंने आप दोनों का खाना नहीं बनाया। ये क्या बोल रही हो तुम, भला माँ जी ने ऐसा क्यों किया? क्या हम दोनों बहनें इस घर में अलग हैं? ये सब आप माँ से पूछिए, मुझे जो माँ जी ने कहा है मैं तो वही आपको बता रही हूँ। सरला ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी दोनों बहुएं घर के कामों में मन लगाए, ना कि सारे काम उनकी बेटियों से करवाए। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? क्या हम दोनों इस घर का हिस्सा नहीं है? हाँ बिल्कुल हो, और ये एहसास जब तुम दोनों को होने लगेगा तो तुम अपने आप घर का काम करने लगोगी और खुद के लिए खाना भी बनाओगी और घर की जिम्मेदारियां भी समझोगी। माँ जी आप सही कह रही हैं, हम दोनों बहनों ने इस घर में आकर आप सभी को खुशियां ही नहीं दी, मुझे एहसास है इस बात का, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे भी सुबह से भूखे रहने पर पता चल रहा है कि इस घर का काम हर किसी से जुड़ा हुआ है। अब हम सारे काम करेंगे तभी एक दूसरे की मदद मिल पाएगी, मुझे भी इस घर के काम करने होंगे। चलो देर से ही सही, दो जोड़ी ननद और दो जोड़ी भाभियों में प्यार तो बढ़ा। सरला ने एक ही घर की दो बहनों से अपने बेटों की शादी इसलिए की क्योंकि वो चाहती थी घर में सुख शांति बनी रहे, लेकिन पायल और मधु आते ही सारा काम अपनी दोनों ननदों पर डाल देती हैं। लेकिन जब सरला ये सब देखती है तो दोनों बहुओं को सबक दिखाने का फैसला करती है, तो सरला की दोनों बहुओं को समझ आता है